ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स ये होता है कि जब कोई लार्ज फोर्स किसी एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको इम्पल्स फोर्स कहा जाता है। उस फोर्स के इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है? इम्पल्स कहा जाता है, ठीक है ना। यानी व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सटर्नल शॉर्ट ड्यूरेशन, नाइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नॉर द टाइम फॉर विच इट एक्ट इज इम्पॉर्टेंट, देन इन दिस केस द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, राइट। सो एफ इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इन टू टी डी टी डी टी, मतलब बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होगा? यानी इम्पल्स ऑफ द फोर्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है ना। और उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? एम वी होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम इन टू वी, और वी को हम लिख सकते हैं एफ को हम क्या लिख सकते हैं? एम इन टू ए, और ए को हम लिख सकते हैं क्या? डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। और पी को लिख सकते हैं एम इन टू डेल वी, यानी अगर डेल टी से मल्टीप्लाई वहाँ पे कर दें तो एफ इंटू डेल्टा टी वहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा हमने यहाँ पे प्रूफ इसको दिखाया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब कोई ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम जो है वो मीज़र, यानी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किसी भी ऑब्जर्वर का है, और वो किसी चीज़ को मतलब जो दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता है उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये सब अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ किया जाता है, यानी रिलेटिव मोशन वहाँ पे यूज़ होता है। तो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एक तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी रेफरेंस फ्रेम जो है वहाँ पर या तो वो रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यानी ए इज इक्वल टू जीरो होगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? ए जो है एक्सीलरेशन जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, यानी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। ठीक, अब अगर मुझे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है कहीं पे भी अप्लाई अगर होता है, तो एक इमेजिनरी फोर्स हम उस पर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। यानी एक्शन रिएक्शन लॉ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? एक फोर्स हमने अप्लाई किया तो हम ये मानते हैं कि अपोजिट से एक फोर्स हमारे ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? जो एक्चुअल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसकी डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये बात किया। नाउ अब हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जो बॉडी है उसको हम डॉट से डिनोट करें और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको एक वेक्टर से डिनोट करें, ठीक है ना। और उसका जो टेल है वो उस डॉट पे रहे, तो उस
ऐसे डायग्राम को हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। और जो बॉडी है वो सराउंडिंग से, हम ये मान के चलते हैं कि वो सराउंडिंग से आइसोलेट हो जाता है, यानी चाहे वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, हम दोनों को उसमें शो करते हैं, ऐसे फिगर को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। क्लियर। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक की बात करेंगे।